हे एवरीवन, दिस इज़ लखन। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने मेरे से इंस्टा पर क्वेश्चन पूछा कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे मम्मी जी का या पापा जी का नाम मिस्टेक है, या फिर बोलते हैं कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट में एक समान है लेकिन पापा के डॉक्यूमेंट में उनका नाम अलग है, या उनकी कास्ट लगी हुई है पापा के डॉक्यूमेंट में और हमारे डॉक्यूमेंट में कास्ट नहीं लगी हुई है। तो इस टाइप की बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपके जो ये डाउट है ये अच्छे से क्लियर कर लूँ। और इसके अलावा ये भी है बहुत सारे बच्चों के कि डायरेक्ट यही पर्सन पूछते हैं कि ये मिस्टेक है, इसकी वजह से क्या हमें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, जो भी स्टेप है सारे सारे आपको अच्छे से समझा दूंगा किस कंडीशन में आपको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो शर्त है वो क्या रहती है। सारी सारी आपको अपडेट इस वीडियो मिलेगी। वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देख लेना, उसके बाद में अगर आपको हमारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई और आपको आगे भी हमसे जुड़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए इस वीडियो में अपन बात कर लेते हैं कि भाई फादर के नेम में मिस्टेक है। अब कैसे मिस्टेक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके फादर के डॉक्यूमेंट में नाम के आगे उनकी कास्ट लगी हुई है और या पीछे उनकी कास्ट लगी हुई है, और अपने यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में उनका नाम सेम है सब में लेकिन कास्ट नहीं लगी हुई है, या कोई जो मिस्टेक है इसमें जैसे आपके पापा के डॉक्यूमेंट के अंदर किसी अल्फ़ाबेट की मिस्टेक है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, और आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी सभी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग सेम है बट आपके जो पापा जी के डॉक्यूमेंट से थोड़ी सी अलग है, उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पिताजी का नाम सेम होना चाहिए, पीछे कास्ट लगी हुई हो नहीं लगी हुई है उससे कोई मतलब नहीं है। सेम कंडीशन में आपके मदर का भी यही सीन है, उनके पीछे देवी या फिर उनकी कास्ट कुछ भी कोई मैटर नहीं करता है, आपके डॉक्यूमेंट में उनका नाम सेम होना चाहिए। उसके अंदर डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर उनके जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो नहीं होनी चाहिए, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स सेम होने चाहिए। अब अगर है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है कि आधार कार्ड में थोड़ा अलग नाम है और अब अदर मार्कशीट में अलग है, या 10th की मार्कशीट में अलग है, 12th की मार्कशीट में थोड़ी सी मिस्टेक है और 10th के सेम बाकी वालों के अंदर भी नाम है, इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आप लोग करेक्शन करवा लीजिए आपके पास में समय है तो, ठीक है, और नहीं है समय तो आप लोग एक एफिडेविट बना दीजिए जिसके अंदर बता दीजिए कि ये रियल नेम है और ये अल्फाबेट मिस्टेक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक है। तो वो क्या होगा कि डीबी के समय आप वो जो एफिडेविट है वो दे देंगे ना आप, तो आपको या तो वो मान लेंगे कि भाई ठीक है और आपको पास आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को वो सत्यापित कर लेंगे, और अगर वो कहते हैं कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा तो वो क्या करेंगे, एफिडेविट अपने पास में रख लेंगे और आपको री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, री डीवी बोलते हैं जिसे, ठीक है ना, मैं ज़्यादातर वीडियो के अंदर डीवी डीवी बोलता हूँ, डीवी की फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और RDV का मतलब है री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको समय दे देंगे कि इतने टाइम के अंदर आप करेक्शन करवा के लेके आओ और उसके बाद में हमें दिखाओ, आपको डेट दे देंगे, उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, तो उस समय तक आपको करेक्शन करवा लेना है। अगर करेक्शन आप नहीं करवाते हो तो फिर ये कंडीशन आ सकती है, आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, लेकिन 99% केस के अंदर एफिडेविट से ही काम चल जाता है, ठीक है। अब ये आपके फादर और मदर के बारे में लगभग जो भी बच्चों के डाउट थे वो सारे सारे इसमें क्लियर हो चुके हैं। आपके पापा के डॉक्यूमेंट में कास्ट लगी हुई है, आपके डॉक्यूमेंट में कास्ट नहीं लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना, आपको एफिडेविट बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको कभी भी कोई भी किसी भी कंडीशन में लग रहा है कि भाई हो सकती है प्रॉब्लम, तो वहाँ पर एफिडेविट बना दीजिए और लेके चले जाइए, मांगे तो दे देना, नहीं तो जयराम जी की आपको पास कर लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से जो भी ये आपके डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं, और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पर जाके फॉलो करके ही मैसेज डालना, जिससे मुझे पता चले कि किसी ने फॉलो किया है, इसका मतलब मैसेज डाल दिया होगा तो मैं वहाँ पर जाके चेक कर पाऊँ मैसेज, नहीं तो मैं मैसेज चेक नहीं कर पाता हूँ और उसके बाद मैं आपको रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ। तो दोस्त मिलते हैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के साथ, तो जय हिंद जय भारत, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो जय राम जी की।